ಕೊಡೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಿಂಚಿನ ಮಾತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನ್ನ ಜರಿ ಅವರಿಂದ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡಬಲ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ स्वागतिसोण प्यारे भाइयों और बहनों कर्नाटक सहोदर सहोदरियारिगे नन्ना वंदाने जहां जहां मेरी नजर पहुंचती है लोग ही लोग नजर आते हैं। हेलीपैड भी चारों तरफ से भरा पड़ा है और यहां भी मैं पीछे देख रहा हूं चारों तरफ इस पंडाल के बाहर हजारों लोग धूप में खड़े हैं। आपका ये प्यार आपके आशीर्वाद हम सबकी बहुत बड़ी ताकत है। साथियों यादगीर एक समृद्ध इतिहास को संजोए हुए है। रट्टी हल्ली का प्राचीन किला डबल इंजन की सरकार सुविधा और संचय की सोच के साथ काम कर रही है। 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तब 99 ऐसी सिंचाई परियोजनाएं थी जो दशकों से लटकी हुई थी। आज इनमें से 50 के करीब योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। हमने पुरानी योजनाओं पर भी काम किया और जो संसाधन हमारे पास पहले से थे उनके विस्तार पर भी बल दिया। कर्नाटक में भी ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। नदियों को जोड़कर सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। नारायणपुरा लेप बैंक कैनल सिस्टम का विकास और विस्तार भी इसी नीति का हिस्सा है। अब जो नया सिस्टम बना है जो नई तकनीक इसमें जोड़ी गई है इससे 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी। अब कैनाल के आखिरी छोर तक भी पर्याप्त पानी पर्याप्त समय के लिए आ पाएगा। साथियों आज देश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर माइक्रो इरिगेशन पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। बीते 6-7 सालों में 70 लाख हेक्टेयर भूमि को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया गया है। डबल यादगीर विलेज मल्टी वोटर सप्लाई स्कीम से भी जिले के लाखों परिवारों को पीने का साफ पानी मिलने वाला है। सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो हिस्सा कर्नाटका में पड़ता है उस पर भी आज काम शुरू हुआ है। इससे यादगीर रायचूर
और कलबुर्गी सहित इस पूरे क्षेत्र में ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी और यहां उद्यमों को, रोजगारों को भी बहुत बल मिलने वाला है। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए यादगीर के, कर्नाटका के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं बोम्मई जी के और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस प्रकार उत्तर कर्नाटका के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है वो सराहनीय है। भाइयों और बहनों, भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब देश अगले 25 वर्षों के नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये 25 साल देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमृत काल है, प्रत्येक राज्य के लिए अमृत काल है। इस अमृत काल में हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। भारत विकसित तब हो सकता है जब देश का हर नागरिक, हर परिवार, हर राज्य इस अभियान से जुड़े। भारत विकसित तब हो सकता है जब खेत में काम करने वाला किसान हो या फिर उद्योगों में काम करने वाला श्रमिक, सभी का जीवन बेहतर हो। भारत विकसित तब हो सकता है जब खेत में फसल भी अच्छी हो और फैक्ट्रियों का भी विस्तार हो। और साथियों, ये तभी संभव है जब हम बीते दशकों के खराब अनुभवों, गलत नीति रणनीति से सीखें, उन्हें फिर से दोहराने से बचें। हमारे सामने यादगीर का, उत्तर कर्नाटका का उदाहरण है। इस क्षेत्र का सामर्थ्य किसी से कम नहीं है। इस सामर्थ्य के बावजूद ये क्षेत्र विकास की यात्रा में बहुत पीछे रह गया था। पहले जो सरकारें थी उसने यादगीर सहित अनेक जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो दिए थे। इस क्षेत्र के पीछे रहने का कारण क्या है? यहां का पिछड़ापन कैसे दूर होगा? इस पर पहले की सरकारों ने न सोचने के लिए समय निकाला, मेहनत करना तो दूर की बात रही। जब सड़क, बिजली और पानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने का समय था, तब उस समय जो दल सरकारों में थे, उन दलों ने वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया। इस जाति, उस मत मजहब का वोट पक्का वोट कैसे बन जाए? हर योजना, हर कार्यक्रम को इसी दायरे में बांध करके रखा। इसका बहुत बड़ा नुकसान कर्नाटका ने उठाया, इस हमारे पूरे क्षेत्र ने उठाया, आप सब मेरे भाइयों बहनों ने उठाया। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता
वोट बैंक नहीं है, हमारी प्राथमिकता है विकास, विकास और विकास। 2014 में आप सबने मुझे आशीर्वाद दिए, मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। मैं जानता हूं कि जब तक देश का एक भी जिला विकास के पैमाने पर पीछा रहेगा तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए जिनको पहले की सरकार ने पिछड़ा घोषित किया उन जिलों में हमने विकास की आकांक्षा को प्रोत्साहित किया। हमारी सरकार ने यादगिर सहित देश के 100 से अधिक ऐसे जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया। हमने इन जिलों में सुशासन पर बल दिया, गुड गवर्नेंस पर बल दिया, विकास के हर पैमाने पर काम शुरू किया। यादगिर सहित सभी आकांक्षी जिलों को इसका लाभ भी मिला है। आज देखिए यादगिर ने बच्चों का 100% टीकाकरण कर दिखाया है।